जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज हम धनु राशि वालों का राशिफल लेके आए हैं। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए समय? तो वित्तीय परिणाम के हिसाब से आपका समय बहुत अच्छा है। पैसे का लेन देन सब अच्छा है। यदि आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। नई साझेदारी करना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा यदि आप जॉब में हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके रिलेशन प्रभावशाली लोगों के साथ बहुत अच्छे होने वाले हैं और इस वजह से आपकी जो नौकरी है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों और साथ में काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी। लोग आपको सराहेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको नाम देंगे और आपको शोहरत भी इस समय मिलने वाली है। कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जीविका के साधन के रूप में आप नया कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, नया कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए दिन अच्छे हैं, दिन शुभ हैं। और पारिवारिक जीवन के हिसाब से बताएं तो आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताने वाले हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, पति पत्नी, बच्चों के साथ आप टाइम बिताएंगे। और शुभ अवसर कोई अगर घर में मनाया जाने वाला है तो उस गेट टुगेदर में भी आप बहुत खुशी खुशी पार्ट करेंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को। यदि आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है तो वो भी आपके लिए लाभकारी ही रहेगी, अतः आप यात्रा पर जा सकते हैं। करियर आगे को बढ़ा सकते हैं। छात्रों के लिए थोड़ा सा टाइम हल्का फुल्का ऊपर नीचे जा सकता है क्योंकि आप मौज मस्ती के मूड में आएंगे तो पढ़ाई से लापरवाही हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लव मेट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। दंपति जीवन जिनका चल रहा है उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। कुल मिला के टाइम बहुत अच्छा है सभी के लोगों के लिए। यदि आप संपत्ति में पैसा विनिवेश करना चाहते हैं तो करिए, अच्छा समय है आपके लिए। शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। कोई वाहन खरीदना हो तो वो भी खरीद सकते हैं। कुल मिला के आपके लिए ये टाइम अच्छा है अगस्त का और आप लोगों को इसमें अच्छी अच्छी संभावनाएं नज़र आ रही हैं और आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। उपाय के तौर पर मैं आपको बताऊँगी, यदि आप अपने समय को और भी अच्छा करना चाहते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को जो लगभग 8 साल से छोटी हों उनको शुक्रवार को खीर खिलाइए और पैर छू के उनको आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, पेंसिल रबड़ दे दीजिए, पैसे दे दीजिए या कोई भी गिफ्ट आइटम दे दीजिए, जैसे हेयर बैंड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा माता के मंदिर में जाकर शुक्रवार को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और श्रीफल यानी कि नारियल आप माता को लाल चुन्नी में और कलावे में यानी मोली में लपेट के एक श्रीफल यानी नारियल भी माता को चढ़ा सकते हैं। ये आप भगवान शिव और माता पार्वती को संयुक्त रूप से दीजिएगा, मंगल मूर्ति गणेश को दीजिएगा, इससे भी आपके काम अच्छे बनेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी दी गई जानकारी से संतुष्टि हुई होगी। अगर आपको पसंद आया है चैनल तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ की आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच।